हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसने पिछले कुछ टाइम से मार्केट में पूरी तरह से तहलका मचाया हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हो, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद होता है ना, वो क्लियर होता है कि जो चीज मार्केट में चल रही है उसको आप तक लेके आऊं, और उसमें कुछ चीजें नेगेटिव भी होंगी, कुछ चीजें पॉजिटिव भी होंगी, दोनों आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करूं। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सको कि आपको उस प्लेटफॉर्म के साथ आगे जाना है या नहीं जाना, क्योंकि अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, अलग अलग तरह के प्रॉफिट होते हैं। कोई बंदा रिस्क लेके प्रॉफिट लेना जानता है और चाहता है कि मैं रिस्क लेके भी प्रॉफिट ले सकता हूं, और कुछ चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट तो चाहिए, चाहे कम चाहिए, चाहे लेट चाहिए, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं दोनों चीजें आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्कस करूं, ताकि आप अपना डिसीजन ले सको। आज का जो वीडियो है इसी पॉइंट के ऊपर है, इसी मुद्दे के ऊपर है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो शेयर की थी SMRBF की, जिसको हम श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन बोलते हैं। एक एनजीओ जो रजिस्टर्ड भी है, एक एनजीओ जो पिछले कुछ टाइम से एक कम्युनिटी प्रोग्राम मार्केट के अंदर लेके आई है, जो 12 फरवरी से चल रहा है, जो काफी बढ़िया तरीके से रन हो रहा है, और जहां से लोगों लाखों को मार रहे हैं एक हफ्ते के अंदर। हमारी आंखों के सामने, आपने भी देखा होगा, आपके आसपास बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, और जहां पर एनजीओ सोशल वर्क भी कर रही है, हम डेली न्यूज़पेपर देख रहे हैं, बहुत सारे प्रूफ देख रहे हैं, उसके रजिस्टर्ड भी है, पैन कार्ड भी है, हर एक चीज है। और बहुत सारे लोगों ने जब लाखों कमाए, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी कमाए, और हमने भी किया, और हमने भी कमाया, हमारी टीम भी कमा रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पहलू हो जाते हैं जिनको हमें जरूर टटोलना पड़ेगा, आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि आप अपना डिसीजन लेते टाइम कोई गलती ना करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन एक संस्था है, एक एनजीओ है, जो त्रिपुरा अगरतला से चल रही है, जिसके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसके पास रजिस्टर्ड पैन कार्ड है। आप जितनी चाहे वेरिफिकेशन कर लो, आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा। जो ग्राउंड के ऊपर सोशल वर्क भी कर रहे हैं, गरीबों को जैसे खाना देते हैं, बहुत सारे अनाथ आश्रम है वहां पर जाकर जो हेल्प करते हैं, बहुत सारे जो मेडिकल खर्चे होते हैं गरीबों के, जो लोग अपना मेडिकल का खर्चा नहीं करवा पाते वहां पर उनकी हेल्प करते हैं, खूनदान जो है कैंप वो लगवाते हैं, आंखों का ऑपरेशन जो है वो करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। तो संस्था तो ठीक है, और जो कम्युनिटी प्रोग्राम चल रहा है वहां पर भी 220 से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अभी तक 27 करोड़ तो चलो किसी ने नहीं कमाया जितना जो बोलते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। आज किसी ने 220 डाले, अगले दिन 27 करोड़ नहीं मिलने वाला। उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के ऊपर चलना पड़ेगा। और कुछ लोग जहां पर 10 लाख, कुछ 20 लाख, कुछ 25 लाख, 30 लाख तक हमने देखे हुए हैं, जो कमा चुके हैं 220 रुपए लगाकर। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन है, अगर किसी कंपनी के पास पैन कार्ड है, अगर कोई कंपनी एनजीओ है जो कम्युनिटी के अंदर, जहां हम बोले कि पब्लिकली ऐसे काम कर रही है जिनके ऊपर गवर्नमेंट को या किसी भी दूसरे पर्सन को कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या उसके अंदर काम करना चाहिए? तो बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए। हम काफी हद तक सेफ हो जाते हैं, लेकिन काफी हद तक सेफ हो जाते हैं, 100% सेफ नहीं। उसका रीजन क्या है कि भाई उसका भी कोई ओनर है, वो काम कर रहा है मार्केट में, जो जो कम्युनिटी प्रोग्राम लेके आए हैं उसको जो कब तक मैनेज कर पाएंगे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन रहता है कि आखिर ये संस्था आखिर चलेगी कब तक। आज इन्हीं कुछ चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके लिए जाना, अगर आप इसको ज्वाइन कर चुके हो तो भी जरूरी है, अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो भी जरूरी है। पहली चीज, रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन जो सारा कुछ है, सोशल वर्क हो रहे हैं ये भी सही है, लेकिन जो कम्युनिटी प्रोग्राम चल रहा है ना, जो कम्युनिटी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर प्लस पॉइंट यह है, कंपनी ने कोई अपना वॉलेट नहीं दिया, तो कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा, पैसा P2P के माध्यम से हम लोगों में ही घूम रहा है। बैंक से पैसा दूसरे बैंक में जाता है, तो जहां पर हमारे पास व्हाइट मनी आ रही है, तो जहां पर भी हम सेफ हैं, और काफी लोगों ने जहां पर पैसा बना भी लिया। अब थोड़े दिनों से हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन का जो कम्युनिटी प्रोग्राम था, उसके अंदर आपको जो गिव हेल्प मिलती थी वो अनलिमिटेड मिलती थी। आपने एक बार 300 रुपया किसी को दान कर दिया, उसके बाद आपको अनलिमिटेड लोगों से 300 रुपया आएगा। कुछ लोगों को 12 बार, कुछ लोगों को 20 बार, कुछ लोगों को तो 25 बार भी आ गया 300 300। बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल किया और इसको लिमिटेड कर दिया गया। ये अच्छी बात है, ये एक प्लस पॉइंट था, ठीक है, कि इसको कंट्रोल कर दिया गया, ताकि सभी एक ही पर्सन जो बड़ा लीडर हो उसी के पास सारा पैसा ना जाए। जिसने ज्यादा डायरेक्ट लगा दिया, इससे तो सारा पैसा उसके पास चला जाएगा। तो इसको कंट्रोल किया गया, इसके ऊपर कंडीशंस लगाई गई, और उस कंडीशन का बढ़िया हमें रिजल्ट भी देखने को मिला। अभी एक पर्सन के पास 4 लोगों का ही पैसा जाता है। अब उसके बाद एक और चेंज आया इस सिस्टम के अंदर कि 10 लेवल थे पहले, अभी 12 लेवल कर दिए गए।
तो उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट सिस्टम को पड़ा नहीं, क्योंकि अभी लोग 10 लेवल तक अर्निंग लेने के लिए पहुंचे ही नहीं थे, वहां तक अभी एलिजिबल नहीं हुए थे। कुछ लोग हो गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी अर्निंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, और अभी जहां पर क्या है कि एक और चेंज आया जो आज ही आया, जो आज ही अपडेट आई, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आपको पिन फ्री मिल रही है। जो पिन ₹20 की आप पहले आईडी को एक्टिवेट करने के लिए परचेज करते थे कंपनी वॉलेट से, वो पैसा ₹20 कंपनी के वॉलेट में जाता था, बाकी पैसा हमें P2P होता था। तो वो ₹20 से कंपनी जो भी, या एनजीओ की बात कर रहे हैं, हम एनजीओ बोलेंगे, ये जो संस्था है वो सोशल वर्क करती है। अब जहां पर आज एक मैसेज आया ग्रुप के अंदर के पिन फ्री है, अब लोगों का नीचे से क्वेश्चन आने लगे, जितने मेरे दोस्त हैं, कि सर अगर पिन का पैसा नहीं लेंगे तो ये सोशल वर्क कैसे करेंगे। तो भाई इस मैसेज को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको कुछ पिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे 300 के अपग्रेड के ऊपर आपको 10 पिन दे देंगे। लेकिन 300 का अपग्रेड भाई आप तभी करोगे जब आपकी आईडी पहले एक्टिवेट होगी। तो आपको 200 की आईडी एक्टिवेट करने के लिए और आईडी को लॉगिन करने के लिए पिन अपने अपलाइन से लेनी ही पड़ेगी। तो पिन फ्री नहीं है, लेकिन जब आप 300 का अपग्रेड करोगे आपको 10 पिन मिल जाएगी, फिर आप आगे वो 10 पिन को अपनी टीम में यूज कर सकते हो। ये एक मेजर डिफरेंस है जो अभी तक सामने निकल के आया है। बाकी यहां पर और क्या चीजें हो रही है, PDF इसकी 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। जो अपडेट हुई है चीजें, वो सारी चीजें उस PDF के अंदर मेंशन होगी। और सबसे बड़ी बात, जो इसके चेयरपर्सन है वो सामने आकर मीटिंग में जो सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं, उनके मोबाइल फोन से कंपनी का करंट अकाउंट भी वो शेयर कर रहे हैं, और वो आपको जो सारी चीजों के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके माइंड में अगर कोई डाउट है तो मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कट बता देता हूं। अगर कोई चीज अच्छी हमें मिलती है, हम किसी चीज के साथ लंबा चलने जाते हैं, तो उसकी छोटी मोटी जो उसके अंदर कमियां होती हैं हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा ही जहां पर है, जहां पर भी आपको छोटी छोटी अपडेट टाइम टू टाइम मिल रही है, तो बहुत सारे लोगों ने सर ये डेली प्लान चेंज क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने भी सिर्फ और सिर्फ ₹200 से करोड़ों रुपए का सपना देखना है, तो आपको जो छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जहां पर एक सबसे बड़ी बात कि रिस्क कितना है, सभी लोग पूछते हैं। तो सर रिस्क मेरी नजर में रिस्क है नहीं। क्यों? ₹200 का फर्स्ट लेवल है और ₹300 का सेकंड लेवल है, जो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको अपडेट करने। तो आपका लगा ₹500, ₹20 पिन का लगा, तो आपका लगा ₹520। ओके दोस्तों, अब जो ₹520 आपको लगा, वो ₹520 आपकी पॉकेट से गया। उसके बाद सेकंड चीज कंपलसरी क्या है कि आपने 2 लोगों को डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करोगे तो 1 पर्सन का ₹200 आता है, 2 लोगों को डायरेक्ट किया, ₹400 आपकी पॉकेट में आ गया, तो भाई 120 रह गए। और आज की डेट में ₹120 का रिस्क, अगर आपको वो भी रिस्क लगता है तो डेफिनेटली ₹120 का रिस्क है। मैं कंपनी के जो कागज हैं, या कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है, जो कंपनी का जो पैन कार्ड है, या कंपनी जो एनजीओ कर रही है, या जो सोशल वर्क कर रही है, उनके ऊपर फोकस ही नहीं करता। मेरा मुद्दा है सीधा सीधा काम करना। मैं जहां पर काम करने आया हूं, अगर आज आप किसी बंदे को ये पूछोगे कि भाई आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है, बोलेगा यस। 10 करोड़ रुपया कमाना है, यस। कैसे भाई? ये तो पता नहीं, उसका यही आंसर होगा। तो भाई आपको एक वे मिल गया, एक रास्ता मिल गया, एक प्लान मिल गया, एक स्ट्रेटजी मिल गई कि कैसे आप ₹220 से वो लाखों या करोड़ों कमा सकते हो। और उसकी ₹120 फीस समझ लो यार, कोई आपको सलाह दे रहा है उसकी फीस समझ लो। एडवोकेट के पास जाते हैं ना कि भाई हमारा ये केस है, हमारा ये झगड़ा है, इसको कैसे सोल्व करना, तो कहता है पहले फीस दो, फिर वो सलाह देता है, फिर वो मशवरा देता है। तो ₹120 से आपको यार सलाह मिल गई, आपको वो रास्ता मिल गया जहां से आप लाखों क्या करोड़ों भी बना सकते हो। अब उस रास्ते के ऊपर आपको कितनी स्पीड से भागना है, ये आपने तय करना है। कहां तक जाना है, ये आपने तय करना है। तो इस सिस्टम को ऐसे मत समझो कि मैं 520 लगा दूंगा, या मैं 220 लगा दूंगा, या मैं करोड़ों कमा लूंगा, और अगर कहीं मेरे को वो करोड़ों नहीं आया तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। भाई आप ₹120 से ₹220 से रोड पर नहीं आने वाले। रिस्क है ही नहीं, ना मात्र है, लेकिन अगर आएगा तो बहुत आएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, जो कंडीशन इन्होंने डाली हुई है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब कोई काम बढ़िया मार्केट में चल रहा है, उसके साथ छोटी मोटी जो दिक्कतें भी आएगी तो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आपको लगता है कि आपका 120-220 रुपए रिस्क है, जहां मैं 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकता, जहां मेरे को लगता है कि कंपनी भाग जाएगी, जहां बंद हो जाएगी, जहां कुछ भी ऐसा लगता है, नेगेटिव लगता है, तो ज्वाइन मत करो। सिंपल है। आज अगर मैं भी जहां पर बैठकर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बता रहा हूं, कुछ अपडेट दे रहा हूं, तो मैंने भी इसको ज्वाइन किया था। मैंने भी पहले दिन 220-520 अपनी पोकर से ही लगाए थे।
मेरे को भी लगता था कि कहीं ये मेरे डूब ना जाए, लेकिन मेरे को ये पता था कि यार 220 लगाने से या 520 लगाने से मैं कोई रोड के ऊपर आने वाला नहीं, तो मैं इसका रिस्क ले सकता हूं, मैं ये झेल सकता हूं। जितना आपकी पॉकेट आपको लो करती है, जितना आप झेल सकते हो उतना ही लगाओ, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो कोई ऑनलाइन वर्क है, चाहे कोई आपका प्रैक्टिकल वर्क है। दुनिया में जितने भी काम, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप करो, उतनी ही करो जितनी आपकी पॉकेट आपको लो करे। किसी सीनियर को देखकर, किसी वीडियो को देखकर मोटिवेट होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। पहले किसी भी चीज को रिसर्च आउट कीजिए, उस रिसर्च आउट के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपकी पॉकेट आपको क्या लो करती है। अगर आप जहां पर 220 लगा रहे हो तो आपको आ कितने सकते हैं, उस चीज के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका डिसीजन जो है वो भी आपका साथ देगा। क्योंकि बिलीव सिस्टम जो है ना वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैंने जिस दिन इसको स्टार्ट किया था, मैं बताऊंगा नहीं कितने से किया था, क्योंकि वो फिर से वही बात हो जाती है कि हम सर को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, सर आपने वीडियो में बोला था इतने से स्टार्ट किया, मैंने भी उतने से कर दिया। अरे भाई मेरे कहने पर मत करो, मैं तो ये भी कहता हूं कि जे प्लान में अगर आप दो लोगों को लगा सकते हो, 500 रुपया अपनी पॉकेट से लगा सकते हो तो आओ, अदरवाइज आइयो ना। क्योंकि मैं जहां पर इसको प्रमोट करने के लिए बैठा, क्योंकि जहां पर लोगों लाखों कमा रहे हैं, मैं वो अपडेट आपको दे रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। जे प्लान कब तक चलेगा, कब तक जे लोग इसको मैनेज कर पाएंगे, जे क्या कल बंद तो नहीं हो जाएगा, सर मैं आज पैसा लगा देता हूं कहीं जे अभी एक दो मंथ टिक जाएगा ना, सर इसका तो किसी को भी नहीं पता, ना मेरे को पता है ना किसी को पता है। इसलिए मैं बोलता हूं डिस्क्लेमर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप पैसा लगा रहे हो तो आप खुद की अर्निंग करने के लिए, खुद का पैसा मल्टीपल करने के लिए लगा रहे हो। प्रॉफिट आपकी पॉकेट में आएगा तो रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा। किसी को ब्लेम करने के बजाय मैं किसी जाके लीडर को ब्लेम करूं, सर आपके कहने पर मैंने पैसा लगा दिया, किसी के कहने पर पैसा नहीं लगाते सर। खुद देखते हैं कि जहां पर मैं पैसा लगा रहा हूं वो कब तक चलेगा। अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो लगाइए, अगर आपको डाउट लगता है, रिस्क लगता है तो मत लगाइए, क्लियर कट है। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इस प्लान को लेकर वो आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूंगा। बाकी अगर आपने जेन्युइन चीज करनी है, बहुत सारे दोस्त हैं सर कोई जेन्युइन चीज बताओ, तो जेन्युइन चीज की बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां मेरे चैनल के ऊपर जाइए, मनु सिन्हा जी मेरा चैनल है, वहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन चीज मिल जाएगी। अब जहां पर मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, फोरेक्स की बात नहीं कर रहा, वो दोनों लीगल नहीं है इंडिया में, वो आप रिस्क लेके कर सकते हो, अपने डिसीजन से कर सकते हो, लेकिन अगर उसको जेन्युइन बोलोगे, लीगल बोलोगे, वो नहीं है। स्टॉक मार्केट लीगल है, सेबी के अंडर आती है, रेगुलेटेड है, आपको वहां पर टैक्स भी लगता है, आपके सारे टैक्स गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, और गवर्नमेंट जिस चीज का टैक्स ले रही ना वो चीज उसने ऑथराइज की हुई है। तो आपको जेन्युइन सिस्टम भी मिलेगा, नाम है रोबोट्रिक, एंजल वन, जिरोदा, ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं, इनके अंदर अपना फंड रखिए और जेन्युइन तरीके से काम कीजिए। जहां पर भी हम बहुत बड़ी अर्निंग कर रहे हैं, आपने मेरी डेली बेसिस के ऊपर वीडियो देखी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मेरा तवज्जो यही था कि आप थोड़ा सा इस चीज को जान लें कि जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर रिस्क भी है, उसके अंदर प्रॉफिट भी है, आपको क्या डिसीजन लेना है ये आपने डिसाइड करना है। फिर मिलेंगे, थैंक यू।